हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीजे सिस्टम चैनल यूट्यूब पे और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, ये यूनिवर्सल कंपनी का पावर एम्पलीफायर है 250 वाट का और इसका मॉडल नंबर है SSA 250M। ये जो आउटपुट लेवल के बाईं तरफ मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल आप देख रहे हैं, यही इसका मेन मास्टर वॉल्यूम है और उसके नीचे बेस और ट्रेबल है बाएं से दाएं, और साथ में लगा है साउंड बॉक्स और ड्राइवर यूनिट सेलेक्टर स्विच। इस सेलेक्टर स्विच को आप साउंड बॉक्स की तरफ करके साउंड बॉक्स चला सकते हैं और ड्राइवर यूनिट की तरफ करके ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं। इसमें टोटल 6 माइक लगते हैं, जिसमें 4 माइक आपके डायरेक्ट चल जाते हैं, लेकिन 5 और 6 माइक लगाने के लिए यहाँ एक सेलेक्टर स्विच है, जिसको आप माइक की तरफ करके 5वां माइक यूज कर सकते हैं और 6वां माइक और ऑक्स की तरफ करके ऑक्स यूज कर सकते हैं। इसमें ऑक्स बैक साइड पे पीछे लगा होता है और ये 4ों माइक हैं जो डायरेक्ट चल जाते हैं, माइक नंबर 1, 2, 3, 4, और ये नीचे उसकी सॉकेट लगी है जिसमें आपने माइक लगाना होता है, और ये 5वां 6वां आपको बताया कि ये ऑक्स और माइक दोनों के लिए काम करता है। ये हैं ट्रांजिस्टर इसमें लगने वाले आउटपुट के, 8 ट्रांजिस्टर लगते हैं और ये होता है 3773 2N3773। ये 8 ट्रांजिस्टर लगा के ये 250 वाट का पावर आउटपुट बनाया गया है और ये इसका हीट सिंक है जिस पे इस ट्रांजिस्टर को कसा गया होता है। और अब चलते हैं इसके बैक साइड पे। यहाँ पर एक स्ट्रिप है जिस पे लिखा है 24 वोल्ट DC, इसमें प्लस का निशान और माइनस का निशान भी है, तो यहाँ पर आप बैटरी की तार भी लगा सकते हैं अगर आप बिजली से ना चलाना चाहें तो। साथ में ये फ्यूज होल्डर है, इसका फ्यूज भी निकाला हुआ है। यहाँ एक फ्यूज लगता है जो 3 से 4 एम्पियर का चल जाता है। और ये है रेड स्ट्रिप जिस पे कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट लिखा है। ये लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाली ड्राइवर यूनिट या साउंड बॉक्स चलाने के लिए होता है। आपको इस पे साउंड बॉक्स और ड्राइवर यूनिट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हो। अगर सिंपल साउंड बॉक्स या ड्राइवर यूनिट है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, तो आप ये ब्लैक स्ट्रिप जो है जिस पे कॉमन 4 ओम 8 ओम लिखा है इस पे लगा सकते हैं। दोनों को पहचानना आसान होता है, उस पे बोल्ट लिखा होता है, इस पे ओम्स लिखा होता है। और ये है इनपुट आउटपुट की सॉकेट जहाँ ऑक्स 1 2 और लाइन इन लाइन आउट ये सब हैं। और अब आपको माइक चला के दिखा देते हैं। ये 7000 के आसपास आता है दोस्तों, आहूजा से तकरीबन आधे रेट में ही मिल जाता है, लेकिन लो बजट में रिजल्ट ठीक ठाक रहता है इसका। तो ये इसका मास्टर वॉल्यूम है, इसको लगभग आधा खोला जाता है हाफ, और उसके बाद ये जो माइक के वॉल्यूम लगे हैं जिनसे जितनी आवाज़ की ज़रूरत है उतना आप यहाँ से खोल सकते हैं। ये अभी माइक नंबर 2 पे माइक की तार मैंने लगाया है सॉकेट में, और उसके बाद ये तीसरा है, तीसरी सॉकेट में लगाया है। 3 नंबर का वॉल्यूम खोलना पड़ेगा टोन, और इसके बाद ये है 5वां, इसमें बाईं तरफ सेलेक्टर स्विच कर देंगे तो माइक के लिए काम करेगा, और इसको 6 दाहिनी तरफ कर देंगे ऑक्स पे तो ये पीछे ऑक्स से जुड़ जाता है। इसी तरह ये 6वां नंबर भी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।